आपको आपको राहत दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है। हेलो हेलो सर। नमस्ते सर, मंजू मैं यूके से बोल रही हूँ। यूके? अच्छा, बताइए क्या सवाल है। सर मैं आपकी डाइट फॉलो कर रही हूँ लास्ट टू ईयर से। अच्छा। तो मुझे जिंघाइयों की प्रॉब्लम है, तो मुझे रिजल्ट तो मिला बट 100% रिजल्ट नहीं मिला है। ये देखिए आप, थोड़ी लाइट हो गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क थी दोनों साइड, तो थोड़ा लाइट हुई है। बट अभी ना मुझे लास्ट मंथ चिकन पॉक्स हो गया था, तो उसका ये देखिए आप ऐसे स्कार बन गए हैं यहाँ पे यहाँ पे। तो मुझे झाइयों का भी छोड़ के इनका बहुत टेंशन हो गया है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, माइंड से वो निकल ही नहीं रहा है पूरे टाइम। देखिए मुझे भी चिकन पॉक्स हो गया। जाते हैं या नहीं जाते सर? मैं जब 15-16 साल का था तब मुझे भी चिकन पॉक्स हो गया था। उसकी चिंता ना करें, हर किसी को कभी ना कभी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रहती है तो प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाता है। पुराने सेल्स जाते हैं, ये जो दाग धब्बों वाले सेल्स होते हैं चले जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। उसकी चिंता मत करें, बस बस आपको चिंता करनी है। लेकिन सर आप देखिए ना, बहुत बड़े हैं एकदम, क्या देख पा रहे हो क्या? इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी देखिए इनको टाइम लगेगा, इनको ना हील होने में टाइम लग जाता है इनको, ठीक है? कुछ महीने लग रहा है, टाइम लग सकता है इनको। बस ये क्या, अगर जल्दी ठीक करने तो वही दो चीजें कहाँ आ जाती हैं, आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। तो आप मुझे बताएं, आपने बोला आपके पिगमेंटेशन चला गया, कितना चला गया, कितना परसेंटेज चला गया? अभी मेरा 40% गया है। उसका मुझे लग रहा है कि मुझे सर और कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे ना यहाँ पे, मैं यूके में जब से आई मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा। तो मुझे वो विंटर के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है और बॉडी में बहुत बनता है। अभी तो थोड़ा ठीक है कि सर्दी कम है, बाकी टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, नाइट में सो भी नहीं पाती हूँ ठीक से कभी कभी। अच्छा, तो आप मुझे सबसे पहले बताओ आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है? हाँ सर, वो फिजिकल एक्टिविटी मेरा जैसे मेरे दो बच्चे हैं, तो मैं उनको स्कूल यहाँ पे खुद को ड्रॉप करना होता है, पिकअप ड्रॉप, तो उनको दोनों का होता है कि मॉर्निंग में छोटे वाली बेटी को छोड़ने जाती हूँ, फिर लेने जाती हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद मतलब उसका ऐसे जाने आने का 4 टाइम हो जाता है मेरा। अच्छा। तो 20 मिनट्स हो जाता है। कंप्लीट होते हैं आपके 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होता है? हाँ सर, ऐसे मेरा ना 9,000 मेरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। बाकी से 30 मिनट्स करीब मैं घर पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अच्छा, चलिए। फिजिकल एक्टिविटी आपकी ठीक ठाक है, और कब से है ये फिजिकल एक्टिविटी, कितना टाइम हो गया करते हुए? फिजिकल पूरे मेरा 2 इयर्स हो गया है कंप्लीट, जब से मैंने डाइट स्टार्ट की तभी से मैं फिजिकल एक्टिविटी मेरी ऐसे ही है, और उसके बाद तो मेरा डाइट भी अच्छा है। मैं आपको डाइट बताऊं? हाँ, डाइट मुझे मॉर्निंग से इवनिंग तक बताएं। हेलो, हाँ जी बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ, डाइट बताइए। हाँ सर, मॉर्निंग में मैं उठने के बाद वार्म वाटर लेती हूँ, उसके बाद वही मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो करती हूँ, और फिर बस बेटे को छोड़ने जाती हूँ, छोड़ने के बाद आकर मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं स्मूदी बनाकर लेती हूँ, उसमें सारा कुछ ड्राई फ्रूट्स होता है और एप्पल बनाना जो भी कुछ है फल वो ऐड करती हूँ, और सीड्स वगैरह और पीनट बटर, और उसमें प्रोटीन पाउडर होता है जो आपने रिकमेंड किया है, पहले मैंने वो ही लिया था लेकिन फिर वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो फिर यहाँ पे जो मिलता है वो लेती हूँ, यहाँ के जो ब्राउन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई प्रोटीन का वो स्मूदी ना, माई प्रोटीन का ले लो, वो तो सस्ता पड़ेगा आपको ना, वो माई प्रोटीन ब्रांड आता है ना, myprotein.co.uk। हाँ, कभी बे प्रोटीन कभी प्लांट प्रोटीन होता है। अच्छा, तो ये रहता है, चेंज करके लेती हूँ, 1 मंथ के बाद चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, ये चल रहा है बाकी, और स्मूदी के बाद फिर मैं उसके बाद होता है कि 12:30 या 1 o'clock पे मैं सैलेड लेती हूँ बॉल भर के, और फिर 2 चपाती कर्ड, और फिर उसके बाद होता है मेरा 4 o'clock पे, मैं बड़े वाली बेटी को पिक करने जाती हूँ 4 o'clock पे, फिर मेरा होता है मिल्क के साथ मैं खजूर को बॉईल करती हूँ, और उसके पहले मतलब बॉईल करने के पहले फिर मैं लेती हूँ कुछ स्प्राउट्स या
रोस्टेड चने ये कुछ भी प्रोटीन का वो लेती हूँ नेचुरल डाइट से, और फिर वो खजूर वाला मिल्क, और फिर नाइट में होता है मेरा 7 o'clock या 8 o'clock पे डिनर, तो उसमें भी सैलेड होता है और चपाती, अच्छा सब्जी या चपाती है, दाल राइस, और राइस में मैं ब्राउन राइस ही लेती हूँ, कभी कभी बाइट भी हो जाता है, और जो मैं वो जो सोया चंक्स जो आपने बताया वो पनीर की सब्जी, और कभी छोले की सब्जी, राजमा की सब्जी, ये सब ऐड करती हूँ। और डेली फिर मेरा स्मूदी के साथ में मॉर्निंग में 2 eggs भी लेती हूँ, कभी 3 eggs लेती हूँ, कभी 2 eggs लेती हूँ मैं, फुल एग लेती है ना? हाँ, फुल, गुड, ठीक है जी। हाँ फुल। अच्छा, जब सुबह आप जो वार्म वाटर लेती है उसमें ना कुछ मिक्स कर लें, या तो आप 1 चम्मच लेमन डाल लें, या उसमें 1 चम्मच आप हनी डाल लें, कुछ डाल लिया करें, दिस इज गुड फॉर योर। हाँ मैं तो डालती हूँ, बट मैं अभी बी टाइम पे नहीं डालती हूँ, विंटर में वो साइनस की प्रॉब्लम है, इस टाइम में फिर वार्म ही लेती हूँ, सर्दी जैसे कम होती तो फिर मैं। और जो मिल्क आप लेती हैं वो अगर आप डिनर के बाद सोने से पहले अगर 1 cup मिल्क ले लेते हो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप डिनर से पहले ही मिल्क ले लेते हो, उससे आपका डाइजेशन में थोड़ा सा इश्यू। हाँ, वो सर क्या होता था कि मुझे ना बहुत हैवी लगता है, फिर उसके बाद ना डिनर के बाद कुछ लेने का मन नहीं करता, हैवी लगता है, इसलिए मैं उसको इवनिंग में मतलब 4 o'clock के करीब ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, चलिए। और बाकी कोई टेंशन तो नहीं आपको? मैं सर मेरी जो झाई है ना, फिर भी कितना टाइम लगेगा मैं? और कोई टेंशन वगैरह तो आपको, कोई परेशानी तो नहीं है कुछ? नहीं, टेंशन तो कुछ भी नहीं, बस सर इनका ही है, मेरा फेस ना बहुत गंदा हो गया, और ये देखिए जब से चिकन पॉक्स से तो बहुत ही गंदा दिखने लगा है, मिरर में देखने का मन ही नहीं करता, एकदम रोना आ जाता है अपने आप को देखकर। अच्छा, तो आप मुझे बता, आप धूप में तो नहीं ज्यादा रहती? धूप में तो नहीं? नो सर, तो धूप कम ही निकलती है तो यहाँ पे नहीं। हाँ, धूप में तो नहीं होता रे। अच्छा, और कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चलती आपके साथ में? कोई नहीं, मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं, बस मेरा मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर हुआ, इंडिया में थी तो इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं था, मतलब अच्छा। थोड़ा बहुत होगा लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा, यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको यूके में? यहाँ पे अभी मुझे 2.5 साल ही हुआ है कम्प्लीट। अच्छा अच्छा, और ये पिगमेंटेशन कितना पुराना है आपका? ये 9 years पुराना है, मेरा बेटा बड़ा वाला 9 का होता है, मतलब प्रेग्नेंट थी तभी से स्टार्ट हुआ। चलो, ये 30% कितने दिनों में गए आपका? 2 साल लगे इसको या कम लगा? इसको सर मतलब स्टार्टिंग में तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया था, अभी भी क्लियर है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला यहाँ से लाइट हो गया, पहले यहाँ बहुत ज्यादा डार्क था ये वाला पार्ट और ये वाला, तो अब ये पूरा ना लाइट हो गया है, मतलब पहले ऐसा था कि कहीं पर बहुत ज्यादा डार्क पेस दिखती थी, कहीं पे लाइट था, अभी पूरा एक जैसा दिखने लगा है लाइट पूरा, क्योंकि आप लेकिन जितना सेवेरिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि 9 साल हो गए हैं तो उसकी सेवेरिटी बहुत ज्यादा, लेयर्स विद इन लेयर्स बहुत ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे करके जा रहा है, ठीक है। बाकी आपकी डाइट ठीक ठाक है? हरी पत्तीदार सब्जियां थोड़ी सी ऐड करो उसमें, ठीक है, आप प्रोटीन। हाँ सर, मैं बताना भूल गई, हाँ मैं डेली ना मेरे सैलेड में स्पिनच होता है, बीटरूट, कुकुम्बर और कैरेट, ब्रोकली, लेटिस, ये सारा कुछ मिक्स करके लेती हूँ मैं, और उसके बाद मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3 ये भी लेती हूँ मैं। ठीक है, डाइजेशन तो ठीक है ना आपका? कोई इश्यू तो नहीं है डाइजेशन को? डाइजेशन का हाँ, कभी कभी ऐसा कि थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है थोड़ा भी, तो फिर मुझे होता है कि हैवी हैवी लग रहा है। अच्छा, बाकी और ठीक है सर। देखो, आप ना उतना ही खाओ जितनी भूख है, ज्यादा नहीं खाना आपको, ठीक है, और अगर हैवी लगता है तो थोड़ा सा वॉक कर लो, डिनर करके लंच के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो, ठीक है। तो आपकी सिवेरिटी ज्यादा है, 9 साल हो गए, तो इस वजह से मुझे लगता है आपका ज्यादा वक्त लग रहा है पिगमेंटेशन ठीक होने में। बाकी आप खुश रहो थोड़ा सा, ठीक है, जितना ज्यादा खुश रहेंगी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगी, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। सर कुछ नहीं, बाकी चिकन पॉक्स का तो बहुत ज्यादा हो गया था, चिकन पॉक्स में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपकी फिजिकल अगर एक्टिविटी अच्छी है तो जल्दी चल जाएगा।
हाँ, बाकी ये सर जितना था ना, जितनी जगह था उतना ही है पूरा, बस ये लाइट हुआ है। चलिए आपकी कैसी लाइट हुआ है, आप ऐसे ही फॉलो करते रहे, खुश रहा करें और बाकी का भी जल्दी ठीक हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मनोजी, थैंक यू सर लाइट लेने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए अब किसी और को, सर मुझे बता दो मेरे चेहरे के दाग हो गए, वही तो बताओ, खाली लाइट ले लो।